हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर दोबारा दिल्ली में बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और वैसे मैं हर ब्लॉग में स्टार्टिंग आजकल यही कर रही हूँ, क्या करूँ, अभी कुछ नया ताजा है नहीं, सिर्फ बारिश पे बारिश चल रही है। और लास्ट ब्लॉग में मम्मी ने जब पकौड़े बनाए थे तो मैंने कहा था उसके बाद मैं बनाऊंगी, मेरा नंबर लगेगा, कुछ ईजी सी चीज सोचूंगी और वही बनाऊंगी, टेस्टी भी हो। तो मैंने वो चीज़ सोच ली, मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना। तो वो चीज़ मैंने सोच ली कि मुझे क्या बनाना है, मैंने सोचा कि यार कुछ ईजी सी चीज़ हो और टेस्टी भी हो, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ बारिश भी कितनी होती है। और ये मम्मी और गुजू बैठे हुए हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं। मम्मी हाय से हाय। और बारिश में आपको दिखाती हूँ कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा ज्यादा, ये देख लो, दिख रही है। अरे अंकल का वो एड्रेस नहीं दिखना चाहिए जो हाथ आगे कर लेती, ये देखो कितनी बारिश है। तो मैं आपको बता दूं जिस चीज की मैं बात कर रही थी वो है ये सेमिया। तो मैं सेमिया बनाऊंगी, मैं और मम्मी खाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ही पैकेट लेके आई, तो अभी हम ये बनाते हैं, बारिश के मौसम में ये खाते हैं। तो अभी जब मैं इसको बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी नहीं कैसे बनाते हैं, वैसे जैसे बनाते हैं ऐसे करके जो भी स्लो मोशन। तो गाइस सेमिया बिल्कुल रेडी हो गई है और कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो अभी क्या कहते हैं मेरे को और मम्मी को, ये तीसरा इसलिए, वैसे मैं और मम्मी खाएंगे लेकिन ये इसलिए क्योंकि फिर अगर किसी को कम पड़ जाए तो हम इसी में से ले लेंगे, क्योंकि इतनी तो बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी। तो मैं लेके जाती हूँ, मेरे को उसको ढक के जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी वानी हो गया है, ऊपर जाला भी हमने ना वो ढका नहीं है इस वजह से। मैं उसको ढक देती हूँ पहले, इसके बाद में लेकर जाती हूँ। तो ये आ गई सेमिया, ये लो। मतलब कोई और पहले उठे ना उठे, पहले बूजी जरूर उठ जाता है, बूजी को पहले हर चीज टेस्ट करवानी पड़ती है। ये हमारे सर हैं, ये सब कुछ बताते हैं ठीक है या नहीं। ये रही मम्मी, मैंने सेमिया बना लिया। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि मैं कोई इजी चीज बनाऊंगी, मैंने इजी चीज बहुत अच्छी सोची। और ये मुन्नू के फेवरेट है सेमिया, मुन्नू की बहुत ज्यादा फेवरेट, मेरी भी है लेकिन मेरे से ज्यादा मुन्नू की है। तो अभी मुन्नू जब ये व्लॉग देखेगा तो वो पक्का चिढ़ेगा चलो ठीक है अब हम खा लेते हैं। बाय मौसम यार, बस भगवान यही मौसम रहता है, मैं रोज बनाती रहूंगी कुछ ना कुछ बनाती, बता ये मौसम रखना। अगर आपने नहीं रखा क्या बोल रहे हो मम्मी, कुछ कहना चाहती है मम्मी। गाइस मैं आपको बूजू का एक ड्रामा दिखाती हूँ, इसका हमने जो सेमिया है इसके लिए वो हमने यहाँ रख दी कि तू नीचे आके खा, इसको आदत हो गई है ऊपर ही खाने की। अब ये देखो खाना भी है लेकिन ऊपर भी खाना है। बूजू खाना है, खाना है, नहीं खाना, नहीं तो नीचे आओ फिर, नहीं खाना ठीक है तो फिर भाई मैं खा लेती हूँ, जब इसने नहीं खाना तो मैं खा ले। तो भाई जल्दी नीचे आ, जल्दी आ नीचे, जल्दी आओ, जल्दी आ नीचे, नहीं आएगा तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो ये मैं तो जल्दी आ नीचे, मतलब राजा है तू, मतलब ये इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि बिल्कुल नीचे खाऊं, सोचता हम जैसे ये लोग ऊपर खाते तो मुझे भी खिलाओ। देख रहे हो ये कितना बदतमीज हो चुका है, इसको ऊपर ही खाना है, बिल्कुल नीचे नहीं खाना है, इसमें नहीं खाना ना, मैं खा लेती हूँ, जल्दी आओ। आया ना नीचे खाओ, ये इसको बिना चीनी वाला डाला इसको। ये देखो बूजू ने ये खत्म करने के बाद और क्या गुस्सा निकाला, ये देखो बूजू का गुस्सा, उधर देखो बूजू का गुच्छा मतलब कि आपने अगर खा लिया तो आप गुच्छू दिखाओगे, अच्छे बच्चे नहीं बनोगे आप। अच्छा लगा, टेस्टी लगा, टेस्टी लगा, नहीं नहीं लेकिन टेस्टी लगा, पर थोड़ा सा गुच्छा हो गया कि इन्होंने आज मेरे को बेडू पे नहीं दिया। बुजू ये क्या किया, ये क्या किया, क्या किया जल्दी बता दे, सोफा गंदा कर दिया, चलो हेलो करो इसी बात पे, बहुत अच्छा काम किया, हेलो हेलो कर दो, ये बहुत अच्छा काम किया, गुड बॉय, अच्छे अच्छे
बच्चे होते हैं बदतमीज डॉगी। ये गाइस तो शाम के बज रहे अभी 6 और अभी हम जा रहे हैं मतलब बूजू के लिए बिस्किट लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उसके बिस्किट खत्म हो चुके हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि जब बूजू को बिस्किट नहीं मिलता तो सच्ची में वो मतलब आफत मचा जाता, उसके लिए बिस्किट इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब खाना खाने के बाद उसको रोज 2 बिस्किट तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो मैंने ये ऑर्डर मंगवाया हुआ बूजू को, देखो बूजू को लग रहा है ये इसकी चीज है तो सोच रहा है कि खोल है ये खोलूं। देखो ये इसको तब से बैड ही समझ के बैठा हुआ है, ये 15-20 मिनट इसको हो गए यहीं पे बैठे हुए और ये यहीं पे ही बैठा है, उसको पता नहीं कि ये इसी के पीछे लगा हुआ है जबकि इसका सामान है ही नहीं, ये घर के लिए आया था सामान। हे भगवान, जो आपको अच्छा लग रहा है इसमें, इसमें अच्छा लग रहा है आपके लिए, आज हम बिस्कुट लेके आएंगे फिर आप बिस्कुट खाना, ये आपका बिस्कुट नहीं, इसको लग रहा है ये इसके बिस्किट है, ये इसके बिस्किट खत्म हो गए तो उसको लग रहा है बिस्किट आए हैं। कभी बिस्किट सोच रहा है, कभी मेरा बेटा बेड सोच रहा है। ठीक है तू सो जा, ठीक है जब तेरा मन भर जाए तो तू उठ जाइयो यहाँ से लेने के लिए, तो फिर मैं अब आपको वहीं पे जाके लूँगी। बाय। बूजी को बिस्किट आ गए हैं और बिस्किट एक ये भी है, और इसमें मैं एक अपने लिए सूट लेके आई थी और ये है बूजी का विश। बूजी काय काय, ये काय चीची है क्या? चीची किसकी चीची है? आपकी? ये मेरी चीची है, ये मैं खा लेती, मैं खा लूं? अरे बूजी खुश हो, अरे अरे चलो भाई ठीक है, बूजू को बिस्किट देंगे। बिस्किट चाहिए ये? अरे मेरे बेटा, अरे इतनी खुशी, तो ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, दे रही सब। तो ये बूजू का विश विश, अरे इतनी खुशी, ये आप खाओगे क्या? और तो अभी मैं बूजू को बिस्किट लेके आ गई हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बस एक अब खाना खाने के बाद बूजू को बिस्किट देंगे और बूजू बड़ा ज़्यादा खुश है, बड़ा बड़ा बड़ा।